हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यारों सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। और जैसा कि देख रहे होंगे कि राहुल भाई फिर से इस वीक में लाइव, आज इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। खुश रहने का हमारा वजह ये है कि आज हम लोग अपने चैनल पर लाइव आए थे और हमारा बहुत अच्छा व्यू था, 2000 आ गया था, 2000 लोग जुड़ चुके थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश है। हाँ जी, सो चलिए आज Q&A है, तो निशा जी सवाल उठाएंगी। @ कुलदीप जी से, भाई आप लोग दिल्ली में ही हो क्या? मैं भी आ रहा हूँ भाई, मुझे भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप ही हमारी मदद करेंगे भाई, प्लीज़। हाँ, तो अभी तो हम लोग दिल्ली में ही है वाकई में। हमसे आप कांटेक्ट कर लीजिए, ये रहा इंस्टाग्राम की आईडी, इस पर मैसेज डालिएगा। जो भी हेल्प चाहिए होगा डेफिनेटली हेल्प करेंगे, चाहे आपको रूम चाहिए, जॉब चाहिए, कोर्ट मैरिज करना हो, सब कुछ हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रूम लेने से पहले मकान मालिक को क्या बोल के रूम ले? वही जो आप दोनों हो साथ, तुम ही झूठ मत बोला करना, ये नहीं बोल देना भाई बहन है। ठीक है, फिर भगाएगा भी, थाना भी बुलाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ अभी भी डायरेक्ट पति पत्नी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है डायरेक्ट बोलिए। अगर जो कोर्ट से मैरिज किए तो मैरिज सर्टिफिकेट वो मांगता है, बिल्कुल दे दीजिए। झूठ नहीं बोलिए, झूठ बोलोगे तब दिक्कत है, सच बोलोगे तो लोग यहाँ साथ भी दे देता है, झूठ बोलने पर दूर भागता है भाई, हमें भी ये फंसाएगा, समझ रहे हो? इसलिए सत्य बोलो, या तो देना होगा उसको रूम देगा, नहीं तो वहीं वो मना कर देगा, पर सच बोलना, बाद में सच्चाई पता लगेगा, बहुत दिक्कत होगी आपको भी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट में @ अख्तर की ओर से है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, आप दोनों के लिए रास्ते आसान करें। तो सबसे पहले अख्तर भाई जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए इतना अच्छा कमेंट्स किया है और आप हमें हमारे बारे में अच्छा प्रे करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, लव यू मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट में है @ भावना गौर, मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे मारता पीटता है। मारता पीटता लिख दिया ना, मारता पीटता है। मेरे दो बच्चे हैं भी हैं, मैं अपने BF के साथ भागना चाहती हूँ, तो आप बताइए, आप मेरी मदद कीजिएगा। अगर जो हमसे थोड़ा बहुत हेल्प हो सके तो ज़रूर करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा, जिसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू मैसेज कीजिए। और बाकी वीडियोस तो मैं बनाया हूँ, सब कुछ जानकारी के लिए उन्हें देखिए और क्या। चलिए नेक्स्ट। @ विष्णु की ओर से, आप कहाँ मिलेंगे हमें ये तो बताओ। इंस्टाग्राम पे मिलूंगा भाई, जिसका स्क्रीनशॉट ये रहा, यही मैसेज करिए, यही आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कृष्णा की ओर से है, भैया लड़की को घर से बाहर नहीं निकलने देते, वो पुलिस जाके केस करे। कैसे कहे पुलिस को जाके, कैसे कहे? ऑनलाइन भी कॉलिंग का ऑप्शन देता है, उनका हेल्पलाइन नंबर होता है पुलिस का, जिसके थ्रू आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हाँ, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फिर आपको जाने की जरूरत नहीं, पुलिस खुद आपके घर चल के आ जाएगा जी। नेक्स्ट में @ user FS, भाई आप Q&A बनाते हो, उसमें अपना क्वेश्चन कैसे पूछें? इसका क्वेश्चन उठिया बहुत बढ़िया रहा, बहुत लोगों के मन में आता होगा ना सवाल कि Q&A का सवाल राहुल भाई जो जवाब देता है वो हम कैसे पूछें। किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दिया कीजिए, अगर जो आपका वीडियो में वो कमेंट रहा इम्पोर्टेंट कि उसका जवाब देना चाहिए, डेफिनेटली हम लोग उसके क्वेश्चन को उठाएं। बहुत सारे लोगों को लाभ होता है, हाँ, तो उसको उठाते हैं और आपकी बातों का जवाब देते हैं। हाँ जी, ऐसा है। नेक्स्ट में है पूरा सिंह, हम पुराना फ़ोन ही नहीं यूज़ करें तो, अगर हम पुराना फ़ोन यूज़ नहीं करें तो? तो बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, बिल्कुल आप IMEI के झंझट से दूर रहोगे, मतलब हर एक प्रॉब्लम से आप दूर रहोगे, तो मत ही करो पुराना फ़ोन यूज अगर जो बजट अच्छा हो तो। नेक्स्ट में सागर की ओर से, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए ब्रदर, तब तो हमको भी डाउट हो जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं है कैसे? आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, नहीं पढ़े लिखे हैं तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो होती है भाई, उसे बनाइए आप, फिर आपका काम हो जाएगा। नहीं पढ़े लिखे तो उनके पास तो आधार और पैन तो होता ही होता है, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा भाई, ये सब तो होता ही है ना, तो ये सब नहीं है तो बनवाओ, तभी ना होगा भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो डॉक्यूमेंट ज़रूरी है भाई, डॉक्यूमेंट नहीं है तो बनवाइए, या है तो मजाक मत करो भाई, ठीक है, सीरियसली डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। नेक्स्ट में अंकित, दिल्ली में जॉब चाहिए, क्वालिफिकेशन BA सेकेंड ईयर कम्प्लीट
दिल्ली में जॉब चाहिए, जॉब का चैनल पे पहुंचिए, राहुल देकर जॉब्स नाम है, उस पर आप विजिट कीजिए। मेरा ही चैनल है जिस पर हम लोग सिर्फ जॉब से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं, अर्निंग से रिलेटेड वहाँ वीडियोस मिलते हैं, जिसके थ्रू आप जान सकते हो बड़े बड़े शहरों में कैसे जॉब मिलेंगे, कैसे हम लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं जी। कमेंट है राहुल शर्मा की ओर से, राहुल भाई CM करने में कितना पैसा लगता है और कितने टाइम में पक्का सर्टिफिकेट मिल जाता है, प्लीज़ राहुल भाई हेल्प कर दो। ठीक है, चलिए इस भाई के मन में रहा है सवाल, इसका जवाब देते हैं। देखिए कोर्ट मैरिज अगर जो आपको करना होगा, अगर जो आप हमारे थ्रू करते हैं और किसी का तो पता नहीं, बट हमारे थ्रू करोगे तो 1 से 2 घंटे में आपकी मैरिज हो जाएगी। और बात किया जाए सर्टिफिकेट की तो 1 से 2 घंटे के अंदर आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। पहले आपको होगा कि अगर जो आप पहले डॉक्यूमेंट भेजते हो तो डॉक्यूमेंट यानी फाइल पहले से रेडी कराते हो, बोले तो बुकिंग अगर जो आप पहले से करवा लेते हो तब 1 से 2 घंटे में पॉसिबल है, वरना 1 दिन भी लग सकते हैं। बिकॉज मेन जो टाइमिंग है ना वो वही फाइल रेडी होने में ही लगता है जी। अगर जो आप लोग फाइल रेडी पहले से करवा लिए तो 1 से 2 घंटे हमारे थ्रू करवाते हैं तो हम आपका सेम डे में मैरिज करा देंगे और हम लोग साथ से कम खर्च। हाँ जी, और साथ चल करके, ऐसा नहीं है कि आपको खुद भेज देंगे, हम लोग साथ जाते हैं। अधिकांश कपल लोग के साथ ही हम लोग जाते हैं, बहुत कम कपल है जिसके साथ नहीं जा पाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तब नहीं जाते हैं, फ्री रहते हैं डेफिनेटली जाते हैं, और हर किसी के साथ जाते हैं, उनका मैरिज वहाँ करते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट को उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन चेक करते हो, उसके बाद ही हम पेमेंट लेते हैं भाई। ठीक है, और क्या पूछा था, खर्चा भी पूछा था क्या? हाँ खर्चा भी पूछा, और पूछा था खर्चा क्या है। तो खर्चा ब्रदर 15K का चार्ज है, कुछ एडिशनल चार्जेज है जो कि आप इंस्टाग्राम पे मिलिएगा हमसे, जिसकी आईडी ये रही, इस पे आकर के बात कीजिए, आपको बता देंगे एडिशनल क्या क्या चार्जेज है, क्योंकि पंडित वगैरह के आपको ही पे करना पड़ेगा ना, तो ये चार्जेज ही एडिशनल। तो बाकी इंस्टाग्राम पे मिलिए, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप लोगों में से भी बहुत लोग होते होंगे कि क्या राहुल भाई भी मैरिज कराता है? बिल्कुल कराते हैं भाई, आप लोगों को करना होगा ना, सस्ते से सस्ते 15K में कराते हैं। आइए इंस्टाग्राम पे हमसे मिलिए, 15,000 में करना होगा तो, क्योंकि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं आपके राहुल भाई के टक्कर में, तो वहाँ आइए, बिल्कुल हम बात करेंगे आपसे। और हेल्प चाहिए जैसे कि आपको रूम चाहिए, जॉब चाहिए, कोर्ट मैरिज करना हो, सब हेल्प करते हैं भाई। ठीक है, बस आपको इंस्टाग्राम करने के लिए लड़का और लड़की की एज क्या होनी चाहिए? तो कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का और लड़की की, देखिए बहुत सारे वीडियोस में हम जवाब दिए हैं, इसमें भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। एज जो है लड़का का 21 होनी चाहिए, लड़की का 18 होना चाहिए। और 18 जैसे कि लड़की है, एक और ऐसा ही कमेंट आया था शायद, लगता है उसका भी हमने उठा पाए, मिलेगा वो भी। लड़का जो है उसमें 27 है और लड़की 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि सिर्फ लड़का का 21+ रहना, लड़की का 18+ रहना जी, बाकी एज कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बट 18 और 21+ होनी चाहिए, ऐसा है। और नेक्स्ट कमेंट है @ अंट्रोय जी, है ना? नहीं, पहले ये पढ़ो ना, अंतरा रोय। हाँ प्लीज़ भाई, भैया जी हमको अपना नंबर दीजिए, मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया है लव के कारण। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मिलिए, इंस्टाग्राम पे ही बातें हो सकती है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। हमारा नंबर इंस्टाग्राम ही है, हम इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। हाँ जी, यही कुछ और बोलना है आपसे, बात करनी है हमको। हाँ तो बिल्कुल बात करेंगे, आप इंस्टाग्राम पे आइए। राज भाई, लड़की अभी 18 एज और मेरा 27, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ये भी जाने में? कोई दिक्कत नहीं, जब आप 27 हो, लड़की 18+ है, मेन 18+ मैटर करता है, 18+ है तब तो कोई झंझट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लोग जाइए, हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है, मैरिज वैरेज करिए। बाकी लगता है कमेंट लगभग ख़त्म ही हो गया है, सो इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। देख करके कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिए, सपोर्ट कीजिए। हाँ जी, और अच्छा लगा शेयर करो अपने पार्टनर लोग से जिसके मन में ऐसे ऐसे डाउट होंगे, और अच्छा लगा, प्रॉब्लम मतलब टेंशन दूर होएगा हमारा वीडियोस देखकर, शायद उनको कुछ सीखने को मिले, उनका टेंशन दूर होगा, हमारी बातों को सुनकर वो मोटिवेट होंगे, दुख से बाहर निकल के सुख की ओर आएंगे। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।